अभी हम इसी ट्रेन से सफर करने वाले हैं, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। अभी हम दोनों स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं हमारे साथ उपस्थित है गौरव जी। हेलो दोस्तों, हाय। तो अभी हम यहाँ के कुछ खास खास से नज़ारा और लोकेशन को दिखाएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में कंटिन्यू आप बने रहिए। देख सकते हैं खगड़िया रेलवे स्टेशन पे, आप यहाँ का नज़ारा पहले देख लीजिए कैसा है। उसके बाद हमारे साथ उपस्थित है आज घूमने के लिए, यानी कि तैयार है गौरव जी। हेलो दोस्तों, हाय। तो आज के इस ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस में बताऊंगा कि हमारा जो बिहार के मशहूर खगड़िया जिला में ऐसा रेलवे स्टेशन है, देख सकते हैं। हम बात करें खगड़िया जिला का जो स्टेशन है, इसके लोकेशन और इसके बारे में कुछ अभी मैं आपको और भी बताऊं, तो आप देख सकते हैं पीछे और भी एक, इसको क्या बोलते हैं, फुट ओवर ब्रिज, एक फुट ओवर ब्रिज तैयार हो रहा है, आप देख सकते हैं। और पीछे तो बना हुआ कंप्लीट है और बारिश होने लगी है, आप देख सकते हैं। और अभी हम छाव में जा रहे हैं, अभी आप लोगों को गाड़ी का दिखाऊंगा कि हम लोग कौन से गाड़ी से सफ़र करेंगे। तो आज अपना लोग खगड़िया जिला से सहरसा जा रहे हैं, सहरसा जिला के लिए हम लोग रवाना हो रहे हैं। जैसे कि आप अनाउंसमेंट में सुन ही रहे हैं कि हम लोग का जो ट्रेन है आने वाली है और हम लोग उसी ट्रेन से जाएंगे, क्या ट्रेन का आज आनंद लेंगे। आज गौरव जी के साथ हम ट्रेन पर पहली बार सफ़र कर रहे हैं, तो क्या एक्सपीरियंस रहेगा गौरव जी बताएंगे आपको ट्रेन पे बैठने के बाद। ठीक है, के साथ तो अलग ही मजा है, अच्छे हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ट्रेन आ रही है धीरे धीरे कदमों से, हम इसी ट्रेन से सफर करने वाले हैं, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हरिद्वार। हरिद्वार आ कहाँ से रहे हैं आप? ऐसे से कर दीजिए, बाय बाय कर दीजिए। दोस्तों अभी हम लोग सीट पे बैठ चुके हैं, मानसी जंक्शन पहुंच भी चुके हैं, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और दिखाते हैं आपको ट्रेन पर से बाहर का नज़ारा। हम दोनों उतर चुके हैं सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पे, देख सकते हैं पीछे गाड़ी खड़ी हुई है। और ये दोस्त अभी चले जाएंगे अपने गांव सहरसा जिला, ठीक है, तो बाय बाय कर दीजिएगा उस पर से, ठीक है। ठीक है।